Hey guys, welcome back to this channel. And in today's video, मैं आपके साथ share करने वाली हूँ how to apply hair oil properly. Now मैं यहाँ पे किसी भी particular hair oil के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ. I'm just going to talk about the technique of applying hair oil properly. हमें ऐसा लगता है that हमारे hair को silky, smooth, longer, stronger बनाने के लिए we need costly hair mask or hair pack, but ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. और even to reduce or stop hair fall, हम क्या नहीं करते हैं. बट यू नो वॉट गर्ल्स, अगर हम अपने हेयर ऑयल को प्रॉपरली यूज़ करें, फुल बेनिफिट अचीव करें अपने हेयर ऑयल से ही, देन 85% हमारे हेयर बैटल वहीं ख़त्म हो जाता है. एंड एज आवर ग्रैंड मा सेज दैट बालों के लिए हेयर ऑयल से बेटर कुछ भी नहीं है. सो वीडियो शुरू करते हैं एंड बताते हैं दैट हाउ टू यूज़ योर हेयर ऑयल प्रॉपरली सो दैट आपको और 50 जगह पर दिमाग ना लगाना पड़े अपने हेयर को परफेक्ट बनाने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी दैट मैं कैसे यूजुअली हेयर ऑयल अप्लाई करती थी एटलीस्ट 4 to 5 years पहले. एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करती थी हेयर में जो शाइन हो या वॉल्यूम हो या हेयर फॉल रिड्यूस करने के लिए, फ्रिज कंट्रोल करने के लिए एंड ओवरऑल सिल्की स्मूथ हेयर पाने के लिए जब मैं स्ट्रगल किया करती थी. एंड मैं इस तरीके से हेयर ऑयल अप्लाई करती थी. एंड ट्रेडिशनली हम ऐसे ही हेयर ऑयल अप्लाई करते हैं, हाथों पे, पाम पे हेयर ऑयल लिया एंड इस तरीके से अप्लाई करते हैं सो दैट हमारे रूट्स में जाए, स्कैल्प में प्रॉपरली अप्लाई हो. बट एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपको लगता है आपके स्कैल्प में प्रॉपरली हेयर ऑयल अप्लाई हो रहा है इस तरीके से जैसे कि मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ. बहुत लोग थोड़ा सा यू नो बोल में ले लेते हैं, ऑयल गर्म कर लेते हैं, बट अल्टीमेटली इसी तरीके से फिंगर डिप करते हैं एंड देन अपने स्कैल्प पे इस तरीके से अप्लाई करते हैं हेयर ऑयल. बट आर यू श्योर आपके पूरे स्कैल्प पे प्रॉपरली हेयर ऑयल अप्लाई हुआ है? आस्क दिस क्वेश्चन टू यू. बट मुझे नहीं लगता इस तरीके से अप्लाई होता था हेयर ऑयल, अदरवाइज मेरा बहुत हेयर का प्रॉब्लम जो है वो बहुत पहले ही रिड्यूस हो जाता. एंड आफ्टर डैट हम थोड़ा सा और हेयर ऑयल लेते अपने पाम पे, थोड़ा रब करते हैं सो दैट वो वार्म अप हो जाए एंड अपने हेयर लेंथ में कुछ इस तरीके से अप्लाई कर लेते हैं. एटलीस्ट मैं करती थी इस तरीके से. एंड जहाँ तक मुझे पता है यूजुअली हम ऐसे ही हेयर ऑयल अप्लाई करते हैं अपने हेयर पे एंड हमें लगता है दैट फुल हेयर पे, स्कैल्प पे अप्लाई हो गया एंड हमारा काम ख़त्म हो गया है. सो कुछ इस तरीके से अप्लाई करती थी मैं हेयर ऑयल पहले एंड देन मैं इस तरीके से थोड़ा बहुत मसाज करती थी एंड दैट्स इट. एंड थोड़ा सा और अपने हेयर लेंथ पे प्रेस करती थी सो दैट थोड़ा हेयर ऑयल जो है थोड़ा सा इवनली स्प्रेड हो जाए मेरे हेयर लेंथ में भी. एंड दैट्स इट, हो गया हेयर ऑयल अप्लाई करना. तो इस तरीके से आई डोंट थिंक सो मेरे स्कैल्प में प्रॉपरली हेयर ऑयल अप्लाई हुआ है इवनली ईच एंड एवरी हेयर फॉलिकल्स पे. एंड हेयर लेंथ की बात करें तो यू कैन सी दैट मेरे हेयर लेंथ पे प्रॉपरली हेयर ऑयल अप्लाई नहीं हुआ है. जैसा कि आप देख पा रहे बहुत सारे ड्राई हेयर्स हैं, ऐसे हेयर स्ट्रैंड्स हैं जिसमें हेयर बिल्कुल ऑयल बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हुआ है इस मेथड से. एंड हेयर एंड की तो बात छोड़ ही दीजिए जहाँ पे हमें स्प्लिट एंड हो जाती है जिसकी वजह से, ये तो बिल्कुल ही ड्राई रह गया, बस ऊपर टच हुआ है हेयर ऑयल जो आप शाइन देख पा रहे हो. अदरवाइज हेयर ऑयल अगर अच्छे से अप्लाई होता मेरे फुल लेंथ पे देन हेयर सॉगी हो जाता. सो अभी हम देखते हैं मैं नाउ डेज किस तरीके से हेयर ऑयल अप्लाई करती हूँ. सो दिस इज़ माई हेयर. मैं सबसे पहले कोम आउट कर लेती हूँ अपने हेयर को सो दैट कोई भी थोड़ा सा भी टैंगल ना रहे, गठाने ना रहे हेयर में. प्रॉपरली मैं कोम कर लेती हूँ अपने हेयर को एंड आफ्टर डैट मैं हेयर ऑयल ले रही हूँ. आप चाहे तो कोई भी हेयर ऑयल यूज़ कीजिए, मैं यहाँ पे हेयर ऑयल की बात करूँगी ही नहीं बिकॉज दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाउ टू अप्लाई हेयर ऑयल प्रॉपरली, लाइक फोकस्ड ऑन मेथड ऑफ अप्लाइंग हेयर ऑयल. सो मैंने कोम कर लिया अपने हेयर को एंड देन मैंने एक बोल में हेयर ऑयल लिया था एंड उसे मैंने थोड़ा सा वार्म अप कर लिया माइक्रोवेव में डाल के. आप डबल बॉयलर प्रोसेस से वार्म अप कर सकते हो. एंड मैं थोड़ा सा उल्टे तरीके से हेयर ऑयल अप्लाई करती हूँ. प्रीवियसली मैंने पहले स्कैल्प में अप्लाई किया एंड देन अपने हेयर लेंथ में, बट मैं यहाँ पे थोड़ा उल्टा करती हूँ. पहले अपने हेयर लेंथ में अप्लाई करती हूँ इवनली एंड देन आई गो टू माई स्कैल्प. ठीक है, पहले मैंने थोड़ा सा हेयर ऑयल लिया अपने पाम पे एंड देन मैंने अपने पूरे हेयर पे अप्लाई कर लिया, पूरे हेयर लेंथ पे थोड़ा सा लाइक स्मूदन आउट कर दिया बाहर से. आउटर लेयर को मैंने स्मूथ कर लिया अपने हेयर के. ओके, जहाँ पे ज़्यादा फ्रिज होता है वहाँ पे मैंने स्मूथ कर लिया एंड आफ्टर डैट मैंने अपने हेयर को डिवाइड कर लिया इन टू पार्ट्स जैसा कि आप देख पा रहे हो. एंड देन मैं इसके आउटर लेयर पे पहले हेयर ऑयल अप्लाई कर रही हूँ एंड आफ्टर डैट मैं फिर से थोड़ा सा हेयर ऑयल लूँगी अपने हाथों पे. सो मैं बता रही हूँ यहाँ पे दैट मैं अपने स्कैल्प पे नहीं, पहले अपने हेयर लेंथ पे अप्लाई करूँगी हेयर ऑयल एंड उसके बाद मैं लाइक स्कैल्प पे अप्लाई करूँगी, लाइक उल्टा हेयर ऑयल अप्लाई कर रही हूँ. देन मैंने अपने पाम पे थोड़ा सा हेयर ऑयल लिया एंड थोड़ा सा इस तरीके मैं सेक्शन कर रही हूँ, मैं डिवाइड कर रही हूँ अपने हेयर को एंड थोड़ा थोड़ा करके मैं थोड़ा सा
हेयर ऑयल अप्लाई कर रही हूँ अपने हेयर लेंथ पे. मैं इस तरीके से लाइक खींच नहीं रही हूँ अपने हेयर को, लाइक कैसे करते हैं ना लोग लाइक नीचे के डायरेक्शन में, मैं वैसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ. अदरवाइज अगर आपके हेयर वीक है देन बहुत ज़्यादा हेयर फॉल आपको देखने को मिलेगा. सो मैं बस प्रेस कर रही हूँ अपने हेयर में हेयर ऑयल को. मैं फिर से थोड़ा सा सेक्शन लूँगी एंड अपने पाम पे थोड़ा सा हेयर लूँ अपने पाम पे थोड़ा सा हेयर ऑयल लूँगी एंड देन अपने बालों का थोड़ा सा सेक्शन लूँगी इस तरीके से एंड देन प्रेस करूँगी हेयर ऑयल. मैं फिर से थोड़ा सा लूँगी हेयर का सेक्शन एंड देन फिर हेयर ऑयल प्रेस करूँगी अपने हेयर लेंथ में. एंड इतना सा बच गया है एंड जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे हेयर लेंथ जिसमें हेयर ऑयल अप्लाई हो गया है वो सॉगी हो गया है एंड जहाँ पे हेयर ऑयल अप्लाई नहीं हुआ है वो अभी भी ड्राई लग रहे हैं. तो ओवरऑल आप देखोगे मेरे हेयर का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा प्रॉपरली हेयर ऑयल जब लेंथ में अप्लाई हो जाएगा बिकॉज हेयर सॉगी हो जाता है. एंड उसके बाद मैं इस तरीके से धीरे धीरे ट्विस्ट करूँगी अपने फुल हेयर लेंथ को सो दैट इवनली स्प्रेड हो जाए मेरे हेयर में हेयर ऑयल. एंड इस तरीके से हो गया एंड फॉर द नेक्स्ट हाफ मैं उसी तरीके से हेयर ऑयल अप्लाई करूँगी अपने हेयर में. एंड इन दिस वे मैंने ट्विस्ट कर लिया एंड देन इसे मैं अब ओपन कर लूँगी. एंड जैसा कि आप देख पा रहे हो प्रॉपरली अप्लाई हो गया, एक भी हेयर का स्ट्रैंड ऐसा नहीं है जहाँ पे हेयर ऑयल अप्लाई नहीं हुआ है, नॉट इवन अ सिंगल. एंड नीचे की तरफ भी आप देख पा रहे हो ये कम्प्लीटली सॉगी हो गया है मेरा हेयर, लाइक एंड्स की तरफ जहाँ स्प्लिट एंड होता है वहाँ भी मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है. ओके इन दिस वे एंड सिंस इसमें बहुत ज़्यादा हेयर ऑयल अप्लाई हो गया मेरे हेयर लेंथ पे एंड सॉगी हो गया है, स्लिपरी हो गया है एंड ऑयली हो गया, अब ये टैंगल नहीं होगा. लाइक प्रीवियसली जैसे कि मैं अपने स्कैल्प पे अप्लाई करती थी, स्कैल्प पे अप्लाई करते करते मेरा हेयर लेंथ बहुत ही ज़्यादा टैंगल हो जाता था, उलझ जाता था एंड जिससे हेयर फॉल होता था. एंड हेयर लेंथ पे तो सही से हेयर ऑयल अप्लाई होता ही नहीं था, बट इन दिस वे आपके हेयर लेंथ पे बहुत अच्छे से हेयर ऑयल अप्लाई होगा. एंड जब आप अपने स्कैल्प पे हेयर ऑयल अप्लाई करोगे इन दिस वे, मैं थोड़ा थोड़ा सेक्शन करूँगी, तो इस टाइम को आपके हेयर लेंथ बिल्कुल भी नहीं टैंगल होंगे, नॉट इवन अ सिंगल टैंगल यू विल गेट. ओके सो सिंस मैंने आउटर लेयर को स्मूदन आउट कर लिया था तो मेरे फिंगर से ही मैं वो मांगे निकाल ले रही हूँ, लाइक हेयर सेक्शंस कर ले रही हूँ बहुत ही इजीली. 2 इंच का सेक्शंस ले रही हूँ मैं अपने स्कैल्प का एंड प्रॉपरली हेयर ऑयल अप्लाई कर ले रही हूँ. अभी मसाज पे नहीं करना है, बिल्कुल भी फोकस नहीं कीजिए आप मसाज पे अभी. आप प्रॉपरली अपने स्कैल्प पे ईच एंड एवरी हेयर फॉलिकल्स पे हेयर ऑयल पहले अप्लाई कर लीजिए एंड देन वी विल गो फॉर हेड मसाज. ओके सो इस तरीके से मैं अप्लाई करूँगी. 2 इंच का सेक्शन रखिए एंड मैं बहुत ज़्यादा हेयर ऑयल नहीं ले रही हूँ, बस डिप कर रही हूँ हेयर में, लाइक डिप कर रही हूँ हेयर ऑयल में अपने फिंगर्स को एंड देन अप्लाई कर रही हूँ. अदरवाइज बहुत ज़्यादा हेयर ऑयल अप्लाई हो जाएगा. ओके सो इस तरीके से मैं नहीं ले रही हूँ, बस डिप कर रही हूँ, ओनली इन दिस वे मैं डिप कर रही हूँ एंड देन दैट्स इट. उतना ही हेयर ऑयल, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है. एंड इन द सेम वे मैं अपने हेयर बैक में भी अप्लाई कर लिया मैंने हेयर ऑयल को एंड देन मैं जनरली धीरे धीरे मसाज करूँगी एंड इस तरीके से एक सेक्शन लूँगी एंड वहाँ मसाज करूँगी. एंड मसाज करते करते मैं खींचूँगी नहीं, लाइक मसाज करते करते पीछे की तरफ नहीं जाऊँगी. मैं एक सेक्शन लूँगी मसाज करूँगी एंड देन मैं दूसरा सेक्शन लूँगी मसाज करूँगी. इन द डेस वे मैं अपने फुल हेड को मसाज कर लूँगी एंड मसाज करने के बाद मैं अपने हेयर को बंद कर लूँगी एंड इसे मिनिमम 1 आवर तक रखती हूँ. एंड मेरे पास टाइम रहता है फुल डे का तो मैं 4-5 घंटे रख लेती हूँ एंड देन नॉर्मली अपने शैम्पू एंड कंडीशनर से हेयर वॉश कर लेती हूँ. एंड जब मेरा हेयर 90% ड्राई हो जाता है सीरम लगा के कोम आउट कर लेती हूँ. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड फाउंड हेल्पफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय गाइज. बट बिफोर लीविंग अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को एंड बेल बटन को हिट कर लीजिएगा. एंड क्यों बेल बटन को हिट करना है आपको पता है, सो दैट मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एंड यू कैन कम एंड वॉच दैट. एंड टेक केयर गाइज, बाय.